प्रकृति होगा तो अनुभव में नहीं आएगा प्रकृति का क्रम। प्रकृति क्रम तभी अनुभव में आएगा जब आप ऐसी जगह में बैठे थे, वायु से क्या हो रहा है वो देखो आप, कौन सा जल हो रहा है, जल पसीने वाला क्या है, जली है क्या, वाले का क्या सवाल है, कोई दूसरी चीज है क्या? ये जल हो रहा है और इस जल से क्या होगा, जब अपन अपने स्थान में जाएंगे तो पसीना आया है ना, ये पृथ्वी पर मैल आ रहा है, पृथ्वी पैदा हो रही है, मिट्टी है ना, तो पसीने के बिना मैल नहीं आता। तो प्राकृतिक चिकित्सा वाले स्वदन नाम की एक क्रिया होती है, स्वदन माने पसीना लेना। आप लोगों ने कभी गए क्या नेचर प्योर में, आओ पसीना दिलवाते, अपनी स्वदन क्रिया हो रही है उसको स्वदन क्रिया कहते हैं, स्नेहन क्रिया, स्वदन क्रिया, पसीना आ रहा है। तो सृष्टि का ये क्रम है, आकाश से थोड़ा ऐसे टेढ़ा हो जाऊंगा तो आप लोगों को सुविधा रहेगी, ये क्रिया अपन आकाश में नहीं कर रहे हैं, असल में बरामदे के आकाश में कर रहे हैं, अगर खुले आकाश में करें तो ये क्रिया और भी जोर की होगी क्योंकि पसीना और भी ज्यादा तेजी से आएगा, या फिर भी ऊपर की बचत है, बस यही सृष्टि का क्रम है। लेकिन ध्यान करें, ये पसीना उसी को आएगा जो जिंदा है, शव रख दो उसको पसीना नहीं आएगा, चेतना के बिना पैदा नहीं होता कुछ, चेतना नहीं है वहां ये पांच तत्व नहीं दिखेंगे, वहां पृथ्वी पृथ्वी है उसमें शव में, और पृथ्वी के अलावा जो उसके अंदर थोड़ा खून है वो पानी बन जाता है, शरीर ठंडा पड़ जाता है, अग्नि भी नहीं है, उसको हम लोग वैदिक परिभाषा में कहते हैं वो सोम हो गया, यानी अग्नि का भोजन हो गया वो, है ना। तो उस अग्नि शव के सोम का जो अग्नि वो भक्षण करती है, उस अग्नि का नाम है क्रव्याद अग्नि, शमशान की अग्नि होती है ना, हाँ वो शव का भोजन करती है, क्योंकि शव में अब अग्नि नहीं रही तो वो भोगता नहीं रहा, भोग्य हो गया। आप कहो जी तो हिंदू तो जलाते हैं, मुसलमान तो गाड़ देते हैं, उनका क्या बनेगा, अग्नि गर्भा पृथ्वी, पृथ्वी के अंदर भी अग्नि ही है, वो भी अग्नि को ही समर्पित होता है। ये अग्नि और सोम का जो संबंध है, आप लोगों के गर्मी की परेशानी दूर हुई या नहीं हुई अभी तक, हो जानी चाहिए, पसीना आएगा ना तो पसीने पर हवा लगेगी, वो हवा लगेगी तो वो ठंडा हो जाएगा, अब आप नहीं पसीना, वो थोड़ी देर को ही रहती है। दिल्ली में मेरा रामजस कॉलेज में मकान था, उसके सामने लॉन था, हम लोग उस मकान के अंदर बैठे रहते थे, मेरे ताऊ जी थे, वो सामने एक शहतूत का पेड़ था, वो खाट बिछाए 12 महीने उस पेड़ के नीचे ही बैठे रहते थे, वो कहते मुझे पंखा उंखा नहीं करना भैया, ये जो हवा आ रही है ना पेड़ की, यही बहुत है मेरे लिए, बारो उसी के शहतूत का पेड़ था, उसको छाया के नीचे बैठे रहते थे। जहाँ गांव में पंखा नहीं है, बिजली नहीं है, वहाँ ऐसी जगह लोग बैठते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं होती कुछ भी, हमारे घर में पौड़ी में तकता डरता आ रहा था, एक्लेमेटाइज हो जाता है बस सारा मामला, कोई जमाने में घर में पंखा नहीं होता था, वो हमारे बिजली नहीं तो पंखा कहाँ से होता, पौड़ी में तकता बिजली को ही आए 200 वर्ष हुए संसार में ही आए। क्या मतलब ये है, मैं क्या कह रहा था, मैं अग्नि और सोम, हाँ अग्नि और सोम की बात कर रहा था, अग्नि सोमात्मकम जगत, ये संसार अग्नि और सोम से बना है, ये बृहज्जावालोपनिषद है,
अग्नि और सोम से बना, इसका क्या अर्थ हुआ कि संसार में दो ही चीज है, एक भोक्ता है और एक भोग्य है। इन दोनों में किसी एक में भी गड़बड़ हो जावे तो क्या बतावे। अगर अग्नि की गड़बड़ हो जावे तो कैंसर हो जाता है। ये अग्नि की गड़बड़ है, कैंसर जो है पूरा जिंदा नहीं ना वो है, वो उसको वो हाँ सोम को जो है ना वो पूरा नक भक्षण नहीं करता। हाँ, उसका भक्षण पूरा नहीं करता तो ओवर ग्रोथ होने लगती है। ये अग्नि का काम है। जैसे जैसे रासायनिक जो खाद है उसका अनाज बढ़ेगा वैसे वैसे कैंसर बढ़ेगा। रासायनिक खाद क्या काम करता है, उसमें अग्नि तत्व अधिक होता है। अग्नि तत्व अधिक होने से वो जो अनाज का दाना है वो दाना ज्यादा मोटा हो जाता है, तो जहां एक मन अनाज पैदा होता हो वहां दो मन होने लगता है। अग्नि के कारण वो ये वेद विज्ञान है। अब वो अनाज का दाना जिसमें अग्नि तत्व अधिक है वो जब अग्नि में जाएगा, जठराग्नि में, तो अग्नि में अग्नि अधिक चली गई, तो वो अग्नि जब ग्रो करेगी तो ग्रो करके वो जब मांस बनावेगी तो मांस ओवर ग्रो कर जाएगा। ये आपके पीछे जो है सज्जन बैठे भैया, नहीं आपके पीछे, इनको कहो उधर सामने आ जाए, वह उनके बराबर आ जाओ आप, ताकि मुझे दिख सको। हम आऊँ, हाँ आ जाओ आप, फिर सब दिख जाएंगे, कोई जरूरत नहीं, नो प्रॉब्लम। अरे यहीं बैठे ना आप, सिर्फ वो ही नहीं दिख रहे थे, बाकी सब दिख, वो छिप गए थे, बाकी सब दिख रहे। खैर, आपन अग्नि और सोम की बात कर रहे हैं। अग्नि में सोम की आहुति ही यज्ञ है, और ये यज्ञ हर कोष्ठक में, हर सेल में चल रहा है। मैंने कहा ही था कि 7 करोड़ अग्नि कुंड है, उसमें चल रहा है, और उसमें ये जो सोम है, अगर ये सोम अग्नि ज्यादा हो जाए तो कैंसर हो जाएगा, और सोम ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगी। डायबिटीज हो जाएगी, शुगर है ना, हाँ वो सोम है, वो इतना चला गया कि अग्नि उसको पचा नहीं पा रहा पूरा, तो वो ओवरफ्लो कर रहा है, तो वो पेशाब में और रक्त में आ रहा है, तो आपन कहते हैं डायबिटीज हो गई। शुगर वाले वो कहते हैं भैया तू मीठी चीज जरा मत खा, यानी सोम कम कर, सोम कम कर। ये अग्नि और सोम का बैलेंस है, ठंड और गर्म का बैलेंस है। सच बात तो ये है कि प्रकृति में जितना ठंडे और गर्म का बैलेंस है वही मनुष्य के तापमान के लिए उचित है। हम जब एसी वगैरह से उस बैलेंस को कृत्रिम बना लेते हैं तो वो कोई शरीर के अंदर अस्थमा फस्थमा जैसी बीमारी पैदा कर देता है। तो ये सारे रोग की जड़ प्रकृति से दूर हट जाना, पर अब जो समय का प्रभाव है वो है, कहीं जाते हैं तो सबसे पहले यही पूछते हैं भाई कमरे में एसी है कि नहीं है। प्रकृति ने तो एसी बनाया नहीं है ना, लेकिन प्रकृति ने 6 ऋतुएं तो बनाई हैं, और वो 6 ऋतुएं भारत में ही होती हैं, अन्यत्र नहीं होती हैं। अन्यत्र 6 ऋतु नहीं होती, ज्यादा से ज्यादा 3, सर्दी गर्मी बरसात, नहीं तो 2। गर्मी नाम की चीज नहीं है, ठंडे देश है बस, कभी बारिश हो गई कभी ठंड हो गई, इतनी। भारत में 6 ऋतुएं हैं, इसलिए आप लोग विश्वास करेंगे या ना करेंगे, भारत का मस्तिष्क जितना प्रखर था और आज भी है उतना प्रखर मस्तिष्क संसार में अन्यत्र नहीं है। ओबामा साहब को कहना पड़ रहा है अमेरिकन बच्चों से कि भैया पढ़ाई ध्यान दो, नहीं तो भारतीय बच्चे सारे अमेरिका पे काबू कर लेंगे। खैर, ये सब की सब बातें कभी विस्तार से करने की बातें हैं कि 24 अवतार हुए कि 10 अवतार हुए, सारे भारत में ही क्यों हुए,
अरे तो परमात्मा तो सबका है ना, कि भारत में ही होने की क्या जरूरत थी? भारत में ही इसलिए हुए कि शरीर तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना है, और पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश में चेतना है। पृथ्वी भी हमारी माँ है, पृथ्वी को भी हम नमस्कार करते हैं। अरे पृथ्वी तो जड़ है, इसको क्या का नमस्कार है? जड़ नहीं है, चेतन है। वायु भी, जल भी, वायु देवता है, वरुण देवता है, अग्नि देवता है, किसी को हमने जड़ नहीं माना, जिसका परिणाम ये सबका चब चेतन है। तो जब भगवान को पुकारता है तो यहाँ के पांचों तत्व तो पुकारा करते हैं, इसलिए भगवान यहीं आया करते हैं। और जगह के पांच तत्व तो पुकारते नहीं है, क्योंकि उनको ये वहाँ की, वहाँ के जो निवासी हैं वो ये समझते ही नहीं कि ये चेतन भी हैं। अभी पत्नी मेरे से पूछ रही थी कि ये जो पृथ्वी जल अग्नि वायु को अपने देवता मानते हैं, भारत में ही मानते हैं कि और भी कहीं मानते हैं? मैंने कहा ईसाई होने से, क्रिश्चियनिटी से पहले सारे संसार में माना करते थे। ये ईसाइयों ने समझाया हमें कि भैया ये जड़ है, देवता वेवता कुछ नहीं तो यूनान में सारे देवता थे ईसाइयत आने से पहले, हैं उन्होंने समझाया। और उस पर मोहर मुसलमान ने और लगा दी के अलावा अल्लाह के और कुछ पूजनीय संसार में है ही नहीं। उनको ये हमने कहा बिल्कुल अल्लाह के अलावा कुछ पूजनीय नहीं है, लेकिन कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें अल्लाह ना हो। जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता कि जहां पर खुदा ना हो। तो हमने तो कंकर में ही भगवान को देख लिया ना। इस देश की परंपरा है, पर अपने को कणकण से क्या लेना, अपने को तो अपने में देख। अब अपने में कैसे देखें वो ये देखो, एक चार्ट मैंने आपको दिया, इसको थोड़ा सा मैं आपके सामने बांटती हूँ। आप लोगों को जो पहला चार्ट मैंने दिया वो मैंने कहा था कम से कम पांच बार पढ़ना, पर किसी ने भी पांच बार नहीं पढ़ा। किसने पढ़ा पाँच बार, हाथ खड़ा करें। आपने पढ़ा और अपन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं ना, तो ये चाहे भले हिंदी में है पर ये विष्णु सहस्त्र नाम ही है। ये हिंदी में मैंने इसीलिए लिख दिया कि संस्कृत में लिखे तो आपको मुश्किल पड़े। मुश्किल तो नहीं पड़े, मुश्किल ये पड़े कि आप इसको बिना समझे रट लेंगे। संस्कृत के साथ में ये बड़ी भारी कठिनाई है कि इस देश के करोड़ों लोगों ने संस्कृत के ग्रंथों को कंठस्थ कर रखा है, लेकिन उसका अर्थ नहीं उन्हें मालूम। संस्कृत के साथ में, तो संस्कृत का अध्यापक हूँ, सबसे बड़ी बीमारी है ये बीमारी सिर्फ संस्कृत के साथ है और किसी भाषा में नहीं है। कोई अंग्रेजी को नहीं रटता बिना समझे, हिंदी को नहीं रटता बिना समझे। एक संस्कृत ही ऐसी मुसीबत है कि जिसको आदमी समझता नहीं और बिना समझे रट लेता है। यहाँ पर एक वेद पाठशाला है, मुझे बतलाया आज, और वो कह रहे हैं कि आपको ले चलेंगे। वो जब मुझे ले चलें तो आपके अगर रुचि हो तो आप भी मेरे साथ चले चलना, यहीं कहीं वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो पैदल पैदल चलेंगे। और वहाँ पर विद्यार्थियों ने वेद कंठस्थ कर रखे हैं, इनसे मैं सुनूंगा अगर वो मिल गए तो कि भाई सुनाओ, तो आपको आश्चर्य होगा वो बिल्कुल स्वर का बिना इधर उधर करे, बिल्कुल एक्सेंट ठीक लगाए प्रोनंसिएशन, और वेद के मंत्र बोलेंगे। फिर मैं पूछूंगा भैया इसका अर्थ नहीं पता है, ये इस देश में अनर्थ हो गया। अरे अपने जीवन में तो तब घटेगा जब इसका अर्थ मालूम हो कि कह क्या रखा है। ये पता ही नहीं है तो कैसे जीवन में घटेगा? एक डॉक्टर ने संस्कृत में आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, अब आप उस प्रिस्क्रिप्शन को घूम रहे हैं संस्कृत में है, क्योंकि उसमें लिख रखा था भाई मीठा नहीं खाना है, तो संस्कृत में लिखा था मिष्टान्नम न भुंजीत। तो अब आपने तो समझा तो है नहीं क्या आपने? अरे डॉक्टर साहब ने देखो लिख कर दिया है मिष्टान्नम न भुंजी, इसकी मैं माला जपा करता हूँ है ना। और उसने कहा कि डायबिटीज ठीक हो जाएगी, खाक ठीक हो जाएगी, ये कोई माला है क्या? ये करने का काम है, करोगे तो तभी इसका अर्थ आएगा। मैं वेद विद्या प्रतिष्ठान में
जो वेद के विद्यालय हैं 400 से ऊपर हैं, उनकी जो कंट्रोलिंग बॉडी है, सेंट्रल बॉडी, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं सारे के सारे, उनकी जो कंट्रोलिंग बॉडी है उसका मेंबर हूँ। और वहाँ पर ये कहा करता हूँ रोज कि भैया ये जो वेद रट रहे हैं इनको इसका अर्थ भी आना चाहिए। तो जो वेद के पंडित हैं ना, टीचर उनके, वो कहते नहीं साहब अर्थ हम नहीं बतलाएंगे, अर्थ बताते ये कंठस्थ नहीं कर पाएंगे, ये अर्थ में अटक जाएंगे, हमें तो कंठस्थ करवाना है। हाँ? वो कहते हैं कि अर्थ करवाने से ये नहीं, उनको नहीं आता है तो पक्का ही है, पर वो आने का विरोध इसलिए कह, ये तर्क उनका ये है कि अगर अर्थ इनको आ गया तो बजाय कंठस्थ करने के अर्थ में, और हमें तो इनको कंठस्थ करवाना है, मिष्टान्नम न भुंजित ये याद करवाना है, जवानी इसलिए याद करवाना है कि इसके अर्थ की तो जरूरत नहीं, जब कोई दूसरा आएगा तो उसको भी सिखला देंगे मिष्टान्नम न भुंजित, बिना अर्थ जाने दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, और हम तो जी हजारों साल से यही कर रहे हैं। क्या बताऊं मैं अब आप लोगों को, कभी कभी उलझ जाता हूँ आप लोगों के साथ में बेकार, आपको क्या लेना देना है झगड़े से, अपने को तो काम की बात करनी। मैंने इसमें संस्कृत बिल्कुल नहीं लिखी भैया, हिंदी लिख दी, आप अपन पढ़ेंगे इसको देखो, ये जो 212 लिखा है ना बाई तरफ, इसके ऊपर का तो छोड़ दो, ऊपर का तो प्रैक्टिकल है, उसको तो प्रैक्टिकल अभी करेंगे अपन, पहले नीचे की थ्योरी समझो। थ्योरी यह है कि स्थूल शरीरों की समष्टि और व्यष्टि दिख रहा है क्या? अरे जिसको नहीं पता चले देख लेना जिसमें लिख रहे हैं। समष्टि का क्या नाम है? वैश्वानर ब्रैकेट में विराट, और व्यष्टि का क्या नाम है? विश्व। और ये जो समष्टि का वैश्वानर है और विश्व का जो ये जो व्यष्टि का विश्व है, इन दोनों के बीच में अभेद है। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द होल एग्जिस्टेंस, द एग्जिस्टेंस इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम अस, ये मतलब है। ऐसा नहीं है कि कार खड़ी है अलग चीज और मैं एक अलग चीज हूँ, जिन पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से कार बनी है उन्हीं पृथ्वी जल वायु आकाश से मेरा एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो उपनिषद मेरे पसीने काल देख लो आप, अग्नि से वायु, वायु से अग्नि और अग्नि से जल पैदा हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है? अच्छा हो रहा है। क्यों? शरीर का मैल बाहर निकल रहा है, अच्छा हो रहा है, और क्या? शरीर का मैल बाहर, अरे मैल ये अंदर गंदा ही तो था सब, ये बाहर निकल गया, बढ़िया हो गया। और इस पसीने पर जो हवा लग रही है बड़ी ठंडी लग रही है। हाँ ये बता दूँ आपको, और मैं इसलिए ये पतले पहन कर आया कि पसीना आवे तो दिखे, मोटे में छिपा रहता है। और वो जो आपका होता है ना टेरिकॉट और टेरी, वो तो भगवान ही मालिक है, वो अग्नि तत्व है सर में, हाँ तो गर्म ही रहता है और वो हवा को अंदर प्रवेश ही नहीं होने देता, ये एक और मुसीबत है। तो अब ये देखें आपन के समष्टि में जो पांच तत्व थे वो क्या काम करते हैं, वो पांच ज्ञानेंद्रियां पैदा करते हैं। तीर नीचे आया ना भाई, कौन कौन सी पांच ज्ञानेंद्रियां हैं ये छपे हुए को पढ़ो, श्रोत्र त्वक चक्षु रसना ग्राण, और हाथ से लिखे को देखो, श्रोत्र के साथ लिख रखा है आकाश, त्वक के साथ वायु, चक्षु के साथ अग्नि, रसना के साथ जल, प्राण के साथ ग्राण के साथ ये आकाश से श्रोत्र पैदा हुआ है, इसलिए और सब इंद्रियों के तो कुछ है ही, आकाश में कुछ भी नहीं है, खाली जगह है। श्रोत्र ये आकाश से श्रोत्र पैदा हुआ है, ये किसको ग्रहण करता है? शब्द को ग्रहण करता है। ये शब्द कहाँ से आता है? दिक से आता है, दिशाओं से, मेरे से आपकी तरफ आ रहा है, आपसे मेरी तरफ आ रहा है। दूसरा कौन सा तत्व है भाई? वायु। वायु से क्या पैदा होता है? क्या बोलो वहां से? तक माने सेंस ऑफ टच,
है ना, ये जो वायु आ रही है कहाँ लग रही है मेरे पांव के तलवे से लेकर यहाँ तक, सौर में डूब रही है। ये जो त्वचा है मेरी, इसमें ठंडे गर्म को अनुभव करने की शक्ति है। अग्नि से क्या पैदा हो रहा है देखो, यहां से पढ़ के बोलो, चक्षु, चक्षु में क्या शक्ति है, रूप को देख, लाल पीले काले को देख लेता, ये चक्षु में शक्ति है। जल से क्या पैदा हो रहा है, रस में माने जीव, जीव में क्या शक्ति है, रस, खट्टे मीठे का पता लगा लेती है। और पृथ्वी से क्या पैदा हो रही है, घ्राण, घ्राण माने इससे इसकी क्या शक्ति है, गंध। ये पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच तत्वों के सत्व गुण से, इधर लिख रखा है ना, सत्व गुण से पैदा होती है। सत्व गुण से पैदा होती माने उसमें रजोगुण तमोगुण भी रहता है, सत्व गुण मुख्य रहता है, उसका काम है ज्ञान करवा देना। तो यहाँ पर मेरे सत्व गुण मुख्य जो तलवे के अंदर है वो शब्द को ग्रहण कर लेता है, आप बोलते हैं मैं सुन लेता हूँ, नाक में सुनता हूँ, सुन दे, आँख से देख लेता हूँ, जबान से चख लेता हूँ, और हाथ पांव त्वचा से स्पर्श कर लेता हूँ। हाँ, ये कुर्सी जो है कठोर है, हाथ के छूने से पता चल जाता है, त्वचा से पता चल जाता है कोमल है तो कठोर। तो वृष्टि तो अस्तित्व में फैला हुआ पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मेरे शरीर में सत्व गुण के द्वारा, श्रीमद जी आप क्या पूछ रहे थे मेरे से, पता नहीं कि वो जीव में क्या हो रहा है पूछ रहे थे ना, जीव और ब्रह्म में क्या हो रहा है। ये जो ब्रह्म है इसकी जो ये प्रकृति पांच है, पंच महाभूत, इनका जो सत्व गुण है उसने पांच इंद्रियां पैदा कर दी है, और पांच इंद्रियों से रूप रस गंध का आभास हो रहा है। ये रूप रस गंध जीव को आकृष्ट करते हैं, तो जीव अंतर्मुख की जगह बहिर्मुख हो जाता है, कोई रूप के पीछे भाग रहा है, कोई शब्द के पीछे भाग रहा है, कोई गंध के पीछे भाग रहा है, कोई एयर कंडीशन के पीछे भाग रहा है। एयर कंडीशन क्या है, जीव को ये इंद्रियां भगा रही है, हाँ, इसलिए जीव माने मैं और आप, मैं और आप माने छोटे एस वाला सेल्फ, मैं छोटाई। सारा चक्र संसार में जितना आदमी दौड़ रहा है, ये पांच ज्ञानेंद्रियां उसको अपने अपने विषय शब्द रूप रस के पीछे दौड़ा रही हैं, और दौड़ने का कोई कारण नहीं। मेरा ड्राइवर है, दिल्ली में ज्यादा गाड़ियां होती हैं, यहाँ भी ये बाबूजी इतनी सारी गाड़ियां रात दिन दौड़ती है, कहाँ जा रही है? मैंने कहा भाई तुरे में मेरा तो पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहते हैं आज ही आप तो राजस्थान पत्रिका जा रहे हो। तो मैंने कहा भाई क्या करने जा रहा हूँ, कि जो गुलाब कोठारी के साथ आप चर्चा करने जाते हो, तो समझ में आया तेरे, मैं शब्द के पीछे भाग रहा हूँ, बोलना शब्द ही तो है, मैं शब्द के पीछे भाग रहा हूँ। यहाँ पर अपन आए हैं तो किसके पीछे आए हैं, गंगा के पीछे आए हैं, गंगा में क्या होगा, धारा, रूप, स्नान, त्वचा, ठंड पहुंचे देखेंगे तो कल 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 शब्द इसके पीछे भाग आए। सारा संसार इन पांच तत्वों के जो गुण है उनके पीछे ही भाग रहा है। इसको इसको शास्त्रकारों ने कहा भ्रमण, संसार का भ्रमण, संसार में घूमना, ये घूमना इन पांच इंद्रियों के कारण हो रहा है। ये पांच इंद्रियां कहाँ से आई, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से आई। तो पृथ्वी में तो कोई शक्ति अपने को नहीं, क्योंकि जो सत्व है ना उससे ये घ्राण इंद्रिय बन गई। अपने को जो पृथ्वी दिखाई दे रही है इसमें तमोगुण मुख्य है, इसलिए ये सुन नहीं सकती, ये पृथ्वी नहीं सुन सकती। इस पृथ्वी के अंदर से एक इसका सूख था, वो कौन सा अंश था, सत्व गुण, उससे ये घ्राण बन गई। यहाँ फूल रखें तो पता चलता है, हाँ ये गुलाब की सुगंध आई, चमेली की सुगंध आई। आकाश में तो कुछ भी नहीं है, आकाश का सत्व गुण है वो यहाँ पर घुस गया है, कर्ण इंद्रिय बन गया, नहीं भाई भी
कर्ण इंद्रिय शब्द सुनाई पड़ रहा है, इसका आकाश तो रहता ही है, बैरे का भी होता है, बैरे के यहाँ छिद्र होता है कि नहीं होता है, छिद्र सुनाई पड़ना बंद क्यों हो जाता है, उसमें सत्व गुण निकल गया, तमोगुण रह गया, इसलिए बहरा हो गया वो, कोई फर्क नहीं, बहरे के और मेरे और आपके कान में अंदर कोई फर्क नहीं होता, ढांचा झोंका क्यों है, सुनना उसका बंद है, मेरा आपका चालू है, अपना सत्व गुण जीवित है, मेरा एक कान का ज्यादा जीवित है, एक का थोड़ा थोड़ा कम हो गया है, तो सुनना पड़ता है, तो जो ठीक वाला है उस कान को उधर कर लेता हूँ, एक कान से काम चल रहा है, दूसरे से भी सुनता है, जरा कम सुनता है, सत्व गुण कम हो गया है। चक्षु अग्नि, अग्नि रूप को ग्रहण करती है, अग्नि का जो सत्व अंश है, देखो तीन गुणों से ही बने ये सब के सब, कौन सा अंश मुख्य और कौन सा अंश गौण है उस पर है, सत्व अंश जिसमें मुख्य हो गया वो पांच से पांच ज्ञानेन्द्रियां बन गई, और जिनमें रजोगुण मुख्य हो गया, नीचे के बीच में आ जाओ वो कर्मेंद्रियां बन गई, कर्मेंद्रियां जानती नहीं है, कर्मेंद्रियां करती है, इस हाथ को पता नहीं है ये हाथ क्या करता है, ज्ञानेन्द्रिय की सहायता से यहाँ पर ये कागज है, इस कागज को यहाँ से यहाँ ले आता है, ये कर्मेंद्रिय है, पांव को यहाँ से यहाँ ले आता है, ये कर्मेंद्रिय है, ये रजोगुण का काम है, तो पांच तत्वों से पांच कर्मेंद्रियां बन गई, पढ़ो भैया, आकाश से तो वाक बन गई, बोलने की शक्ति, अगर आकाश बोलने की शक्ति, पावर ऑफ स्पीच, पावर ऑफ स्पीच पे अगर सत्वगुण कम हो जाता है तो बोलना गड़बड़ा जाता है, जो बच्चा बोलता है ना छोटा, अभी सत्वगुण उसके अंदर ज्यादा नहीं हुआ तो तुतला तुतला के टक टक के बोलता है, अभी जैसे जैसे बड़ा होने लगता है और वो अग्नि का जो रजोगुण है वो मुख्य होने, उसकी वाणी स्फुट होने लग जाती है, मेरी उम्र के कुछ लोगों की वाणी गड़बड़ा गई है बुढ़ापे में, कम हो गया ना, हाँ तो वहाँ रजोगुण कम हो गया वाणी में, समझना चाहिए, मेरे में अभी रजोगुण वाणी का ना है तो वाणी स्पष्ट है, वायु में क्या काम है, देखो ये जो हाथ है ना ये कैसे काम करता है, ये वायु का रजोगुण है इसमें, तो ये हाथ बन गया, रजोगुण में गड़बड़ हो जाए तो कंपन वाय हो जाती है, मेरे कई साथियों को बेचारों को हस्ताक्षर ही करना मुसीबत हो गया बैंक के अंदर चेक पे, क्योंकि वो हिलता है हाथ है, वो का हाँ वो उनके उनके रजोगुण कम नहीं हो गया, रजोगुण अधिक हो गया, क्योंकि हिलना जो काम है रजोगुण का काम है, एक्टिविटी बढ़ गई इसलिए रजोगुण अधिक हो गया, पांव लोकवार ये अग्नि का काम है, अग्नि का जो रजोगुण है वो पांव में शक्ति देता है, ये काला साहब ना रहे थे उसमें गंगा में, मैं वहाँ था, ये थोड़ा मेरे से आगे यहाँ यहाँ तक के पानी में थे, क्या जाओ नीचे, मैं यहाँ यहाँ तक के पानी में था, मेरे पांव खड़ रहे थे पानी के प्रभाव से, मैंने कहा मैं नीचे नहीं आऊँगा, पांव की शक्ति कम हो गई, जमीन पर टिकने की ताकत कम हो गई, पकड़ कम हो गई, अग्नि कम हो गई पांव, ये सब ऋषियों ने एक्सपेरिमेंट कर करके जाना कहाँ क्या धंधा है, जल, जल से क्या, जल कौन है, पायु, पायु माने मलेंद्रिय, जो मल को बाहर फेंकने वाली इंद्रिय है गुदा, पायु ये जल, जल है, है? तो किसी का कब्ज होता है ना तो उसको कहते हैं अरे पानी पी, वो पानी से शौच बाहर आएगा, लिक्विड पिलाते उसे, सॉलिड, सॉलिड से तो उल्टा कब्ज बनता है, तरल से पेट साफ होता है, तो कोई त्रिफला का पानी रात को पीकर सो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उससे और जो उपस्थ है ना मूत्रेंद्रिय,
ये पृथ्वी के रजोगुण से बनी है। अब आप लोगों के बीच में चर्चा कर रहा हूं, अपन तो विज्ञान के भाव में बैठे हैं, कोई जगह जगह बोर्ड लगे रहते हैं ना, यौन रोग ठीक करने वालों के, मतलब तो बड़े मोटे मोटे। ये यौन रोग क्या है? उपस्थ इंद्रिय में पृथ्वी की शिथिलता है, पृथ्वी शिथिल हो गई तो उसको अपन कहते हैं ये यौन रोग हो गया। तो कुछ ऐसा उपचार करते हैं कि पृथ्वी तत्व ठीक हो गए, करते या नहीं करते मुझे पता नहीं, पर दावा करते हैं क्या ऐसा करते हैं। अब वाक का क्या काम है? बोलना। पानी का क्या काम है? पानी माने हाथ, आदान प्रदान, चीजें इधर से उधर रखना। पांव का काम चलना, पायु का काम विसर्जन, और उपस्थ का काम। ये हुआ भैया एक एक तत्व के सत्व गुण, एक एक सत्व गुण से और पांच ज्ञान इंद्रियों का पैदा हो जाना, और पांच तत्वों के, एक एक पांच तत्व के रजोगुण के द्वारा पांच कर्मेंद्रिय, और इन ज्ञान इंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों को कंट्रोल करने वाली चार चीजें मन बुद्धि अहंकार और चित्त। आए तीसरे कॉलम पर, ये कहां से पैदा हुए? ये पांचों या अंत्यकरण चतुष्टय हो गया, ये पांचों कहां से पैदा हुए? ये पांच तत्वों में जो सत्वगुण है, वो सत्वगुण जब मिल जाते हैं पांचों के पांचों, तब ये चार पैदा होते हैं। एक एक से एक एक इंद्रिय होती है, और मिले हुए से ये चार हो जाते हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पांचों का सत्वगुण लिया तो मन बन गया, उसमें भी जरा रजोगुण ज्यादा रहता है तो मन चंचल रहता है। सत्व में सत्व ही अधिक हुआ तो बुद्धि रह गई, सत्व में फिर रजोगुण अधिक हो गया तो अहंकार हो गया, और सत्व में फिर रजोगुण अधिक हो गया तो चित्त रह गया। तो इन चारों अंतःकरण चतुष्टय में बुद्धि ही एक ऐसी है जिसमें रजोगुण कम है और सत्वगुण अधिक है, इसलिए बुद्धि जो है वो इस शरीर रूपी रथ का सारथी है। इंद्रियाणि पयान्याव इंद्रिय ना, क्या है? मन है प्रग्रहम एवच बुद्धिम तु सारथिम आहु हयान इंद्रियाण्याहु। ये जो इंद्रियां है ना 10 की 10, ये घोड़े हैं। इंद्रियाणि हयान्याहु और मन प्रग्रहवान नर है, और मन इनकी क्या है? लगाम है। अब घोड़े भी लग गए, लगाम भी लग गई, लगाम को खेचे कौन? बुद्धिम तु सारथिम बुद्धि, बुद्धि सारथी है। मन है प्रग्रहवान नर है, और ये इंद्रियाणि वशे यस्य, जिसने बुद्धि के सार, जिसकी बुद्धि सारथी ने मन रूपी लगाम से इंद्रिय रूपी घोड़ों को काबू में कर लिया, वो इन 10 घोड़ों के रथ पे चढ़ के और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। और जिसकी ये 10 इंद्रियां बुद्धि और मन की लगाम के काबू में न रहकर, बुद्धि का सारथी मन की लगाम को नहीं पकड़ पाया, तो ये 10 की 10 इंद्रियां जो घोड़े हैं वो उस जीवन के रथ को गढ़े में ले जाकर गिला देती है। ये घोड़े बदमाश हैं, इन पर बुद्धि का कंट्रोल होना चाहिए। ये सब उपनिषद है। अब ये बीच का जो है, हाँ, मन का काम क्या है? संकल्प विकल्प लिखा है ना। बुद्धि का क्या काम है? निश्चय। अहंकार का क्या काम? यानी मन तो संकल्प, ऋषिकेश जाऊं कि ना जाऊं, ये मन ने संकल्प विकल्प हुआ। बुद्धि ने निश्चय किया जाऊंगा, बुद्धि ने निश्चय किया नहीं जाऊंगा, तो नहीं वाले रह गए और हाँ वाले आ गए। संकल्प विकल्प विचार दोनों ने किया था, निर्णय लिया, बुद्धि ने निर्णय ले लिया। अब हम ऋषिकेश में गंगा में स्नान कर रहे हैं, हम कितने बड़े पुण्य आत्मा हैं, ये गर्व किसने मारा? किसने मारा? क्योंकि मैंने आपको उस दिन पहले ही दिन बता दिया था, ना कोई कहीं जाता है और ना कहीं कोई आता है।
ये सारा प्रकृति का खेल है। हाँ, अरे निश्चय तो कर लिया बुद्धि ने और ठीक ही निश्चय किया, ऐसा भी नहीं गलत निश्चय किया हो, लेकिन और जो रह गया उसने जो निश्चय किया कि मैं रह जाऊँ, वो ये सोचे अरे ये बाधा आ गई नहीं तो मैं भी चल, दुखी होने की जरूरत नहीं, ना वो नहीं आए और ना हम आए। अरे ये वेदांत है, सर्वे भी सुखी न संतु, सारे सुखी कैसे होंगे संसार में, समझो इस बात को, एक अच्छा काम कर रहा है एक नहीं कर पा रहा है तो दोनों कैसे सुखी हो जाएंगे। भाई भीख मांगे भिकमंगा खड़ा है, गरीब लोग खड़े हैं, पैसे वाला ना उसके दे सकता है, जिसके पास पैसा ही नहीं वो बेचारा कहां से देगा, जो दे रहा है वो भी कुछ नहीं कर रहा है, जो नहीं दे रहा है वो भी कुछ नहीं कर रहा है, दोनों सुखी, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भला। ये लोग बोलते हैं लेकिन ये वेदांत है, वो तो भिखारियों ने रख लिया है वैसे ही बिना समझे कि हम बोल क्या रहे हैं, ये बड़ा गहरा वेदांत है। अच्छे का गर्व नहीं करें, बुरे के कारण इन्फीरियोरिटी, दैन्य में दीनता में नहीं जावे, ओ व्हाट ए मिसफॉर्च्यून आई कुडंट डू दिस थिंग, नहीं कर सके यो भी क्यों कहे कर सके नहीं कर सके नहीं कर, प्रकृति ने करवा दिया, प्रकृति जाने प्रकृति का काम जाने, ये है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणम्। ये श्लोक को लोग बोलते रहते हैं समझते नहीं है क्या मुसीबत है ना। हाँ यही मैंने आपसे शुरू में कहा ना, संस्कृत के श्लोक रख लिए जाते हैं ना, वो समझ नहीं रहे कि हम बोल क्या रहे, समझ में आवे तो उद्धारी हो जाए। सर्वधर्मान परित्यज्य, करना ना करना ये सारा छोड़ छाड़ के माम एकम शरणम ब्रज, यही समझ ले जो भगवान की इच्छा से प्रकृति करवा रही है वो हो रहा है, जैसा करवा रही है वैसा हो रहा है, जैसा नहीं करवा रही है वैसा, जय ही विधि राखे राम। हिंदी में छोटे छोटे वाक्यों में रट सब नहीं है ये सार तत्व है, ये सार ताही विधि रहिएगा, मतलब ये नहीं है कि हेल्पलेस रह, क्या करें जी, भगवान ने ऐसी भगवान नहीं क्या करें, नहीं, बड़ी भगवान की कृपा कि उसने इस प्रकार हमें ऐसी तरीके से रखा है, क्योंकि जैसे तरीके से रखा है उसी में हमारा कल्याण। अब आप एक बात बतलाओ, 4:45 बजने को है, आपन रोज पंखे के नीचे और हॉल के अंदर ध्यान करते हैं और आज यहाँ ध्यान कर रहे हैं, यहाँ का ध्यान अच्छा कि वहाँ का अच्छा, आप तो ये बतलाओ मुझे, ये भगवान की व्यवस्था है वो मनुष्य की व्यवस्था है, समझ लो आप, यहाँ जो ये व्यवस्था हो रही है ये किसकी व्यवस्था है, थोड़ी सी हमारी है, हमने ऊपर छत और बना रखी है, छत न होती पेड़ के नीचे होते तो पूरी भगवान की, महात्मा बुद्ध को पेड़ के नीचे जान हुआ था, वो कहीं एसी में नहीं बैठ सकते, पेड़ के नीचे बैठ गए, बोधि वृक्ष बनाओ। हाँ मुझे नहीं पता भाई यहाँ की व्यवस्था वो अच्छी है, हॉल की अच्छी, मुझे तो यहाँ की अच्छी लग रही है, पर इसका मतलब ही नहीं कल से अपन यहाँ बैठा करेंगे। चित्त में सत्वगुण और रजोगुण की मात्रा ज्यादा होती है, किसमें, चित्त में, देखिए इसमें बुद्धि में सत्वगुण अधिक है, हाँ। बाकी तीनों में सत्वगुण के साथ रजोगुण मिला हुआ है, इसलिए बाकी तीनों हिलते रहते हैं, मन पीपल पार पात सरी समन डोला, जैसे पीपल का पत्ता हिलता रहता है ना, ऐसे मन डोलता रहता है, तो रजोगुण मन में भी रजोगुण है, अहंकार में भी है और इनमें सबसे ज्यादा अहंकार में, तो जब संत बोलते हैं तो और चीजों का नाम नहीं लिया करते, अहंकार ही अहंकार का नाम लेते हैं, गीता ने भी जब नाम लिया तो अहंकार का, अहंकार करता हम कर्तित्व, ये रजोगुण कर्तित्व है, ये जो कर्तित्व या रजोगुण है ये अग्नि है असल में, जिसमें रजोगुण कम हो जाता है वो कुछ करता ही नहीं है, अजगर करे न दास मनु का कह गए सबके दाता राम, ये मनु का दास में सत्र गुण कम था इसलिए उसने ये बात कह दी, लेकिन ये बात शंकराचार्य के साथ नहीं थी,
उनमें सत्व तो था तो था, रजोगुण भी खूब था। सारे भारत में घूमे हे भगवान, उन दिनों घूमने का हाल देख लो आप, बैलगाड़ी में बैठे, एक कार में बैठे, कोई कार तो थी नहीं, और सारे में घूमते रहे और लिखते भी रहे और शास्त्रार्थ भी करते रहे। सत्वगुण बहुतों में अधिक होता है, लेकिन प्रसिद्ध वो हो जाता है जिसमें सत्वगुण के साथ रजोगुण भी, क्योंकि वो एक्टिव होता है, डायनेमिक होता है। तो बहुत सारे लोग हो गए जीवन मुक्त, हम पांच सात के ही नाम जानते हैं, सबके नहीं जानते। वो पांच सात बेचारे रैदास जैसे जूता घटते हुए ही मरमरा गए, पर रैदास का भी इसलिए जानते हैं कि कम से कम जूता तो घटता था, और मलुका दास का भी इसलिए जानते हैं कि कम से कम दोहा तो लिख दिया। पर कुछ लोग ऐसे जिन्होंने कुछ लिखा ना पढ़ा और मर गए, जो क्या करना धरना है बैठे यार, खत्म किस, उनका पता ही नहीं किसी को। और वो मोक्ष ज्ञान उनका भी उतना ही है, ज्ञान में कोई कमी नहीं, ज्ञान का प्रगटीकरण अभिव्यक्ति कम है, वो रजोगुण के कारण, वो रजोगुण के कारण होती है। मेरी पत्नी ये कहती है कि जी आप जब नौकरी में थे तो इतना नहीं लिखते पढ़ते थे जितना रिटायर होने के बाद लिखने पढ़ने लगे, बुढ़ापे में रजोगुण बढ़ गया, ये लिखने पढ़ने में जो ज्यादा, ये रजोगुण के कारण ये जब नौकरी में था तो रजोगुण इतना था, कभी क्लास ले लो तनख्वाह आ जाती है, क्या लेना देना और बातों से। अब समझ में आया क्लास तो छूट गई, तो अब दुनिया में किसी तरह से ये जानना कि मैं कुछ कर रहा हूँ लिखने पढ़ने के द्वारा ही होगा, तो कलम हाथ में पकड़े पकड़े यहाँ गया, वहाँ से जयपुर से यहाँ तक आया हूँ तो ढाई पेज रस्ते में भी लिख लिए बैठे बैठे गाड़ी में, चैन नहीं पड़ा, दो लेख पढ़ लिए, एक लेख तो पढ़ गया नरेंद्र मोदी का खुद का, वो लिखा हुआ था, एक कोई वार्षणीय है विदेश का प्रोफेसर उसने हिंदुत्व पर लिख दिया, एक माधव है, माधव क्या आरएसएस का राम माधव, एक तीन लेख अंग्रेजी में पढ़े। वो जब मैं घर से निकलने लगा आपके साथ चलने तो डाक में वो लेख वो किताब पढ़ी थी, मैंने कहा चलो किताब ले चलते हैं रस्ते में, उसको पढ़ लिए तीन पेज तो रात को पढ़ लिए सो गया, सवेरे उठा तो ढाई पेज और लिख दिए। अब आज फिर पढ़ा मैंने कि भैया तीन पेज मैंने लिख के तीन लेख पढ़े हैं और ढाई पेज लिख दिए रस्ते में लिखे हैं, बने कि नहीं बने तो पता चला ठीक नहीं बने तो ढाई पेज फाड़ के फेंक, थैंक यू कि दोबारा से लिखा जाएगा ठीक नहीं है। और रस्ते में क्या ठीक बने, गाड़ी की खटखट खटखट इतना चित्त कहाँ उसमें एकाग्र हो पाता है। ये अपने सामने नक्शा है, अब आप ये समझ लें। हाँ टाइम होता है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यूँ समझो कि इन पांच तत्वों से ही तो मैं बना हूँ और इन पांच तत्वों से ही ये पहाड़ बना है, तो इस पहाड़ में और मेरे में फर्क कहाँ है ये बताओ आप। जिस मिट्टी से घड़ा बना है उसी मिट्टी से सुराही बनी है, उसी से शिकोरा बना है और उसी से कुल्हड़ बना है, एक छोटा और एक बड़ा है, दोनों का अनुपात अलग है, बड़का ना छोटा और बड़ा है नहीं गुण। हाँ गुणों के अनुपात की पहले बात करेंगे बाद में, पहले तो ये देख ले कि पांच तत्वों से ही पहाड़ बना है, गंगा बनी है, मैं बना हूं। तो फिर गंगा जल में क्या है ये भी समझ लो, गंगा जल में है क्या, इसमें अंति अंत में विष्णु का नाम लिख रखा, ये बीच के देवता नहीं पढ़े मैंने अभी, जरा देवता भी पढ़े ले क्या चक्कर है ये, अंति अंत में ये विष्णु बना है, अंत में अंतिम लाइन में चित्त जो है विष्णु है, इस विष्णु के पांव से गंगा निकली है, समझो बात को, इस विष्णु के पांव से गंगा निकली है और सिर पर किसके जाकर गिरी है, शिव के सिर पर क्या है चंद्रमा, देखो चंद्रमा कहाँ लिखा है मन, आहा चित्त से, हाँ तो चंद्रमा तो शिव के ही सिर पे है, शिव के ही सिर पे लगा हुआ है चंद्रमा,
ब्रेन ग्रेन का नाम आप मत लेना, है मेडिकल साइंस है। फिर आप मुझे फंसा दोगे, कल फंसा दिया था। मेडिकल साइंस मैंने पढ़ी नहीं, मेरे बच्चों ने पढ़ लिया, आप उनसे भिड़ जाना। हाँ उन्होंने पढ़ी, मैंने नहीं पढ़ी। नहीं ब्रेन ब्रेन जो है, सुने मैंने तो मजाक किया। ब्रेन इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज नॉट द मेन थिंग। हाँ ब्रेन जो है ये एक उपकरण है, इस उपकरण के द्वारा मन बुद्धि चित्त अहंकार काम करते हैं, पर वो मन बुद्धि चित्त अहंकार अलग है जो ब्रेन के द्वारा काम करते हैं। जैसे चश्मे से मैं देखता हूँ, चश्मा नहीं देखता है, चश्मे के द्वारा मैं देखता हूँ, है ना, ऐसे उपकरण के द्वारा। तो गंगा कहाँ से, आज गंगा दशहरा है तो अपन गंगा की चर्चा कर ले थोड़ी सी। विष्णु के पांव से निकली और शिव के सिर पे गिरी, तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। ये गंगा के ऊपर जो घटित हो रहा है मेरे मेरे पिंड में भी घटित हो रहा है। मेरे भी चित्त में से ज्ञान की गंगा निकली और जाकर कहां पड़ी, मन के सिर पे जाके पड़ी। मन के सिर पर जाकर पड़ी तो क्या हो गया, शिव भी लिख रखा है। अरे चंद्र चंद्रमा तो लिख रखा है, सो लिख ही रखा है, शिव सीधा भी लिख रखा है ना नंबर दो पे नीचे से, अहंकार। हाँ अहंकार का शिव देवता है। तो गंगा कैसी है, ठंडी है कि गर्म है? ठंडी है। तो विष्णु के पांव से निकली, चित्त से जब चित्त शांत होता है तो उसमें से ज्ञान की गंगा निकलती है, वो ठंडी होती है और वो जाकर किस पड़ती है, शिव के अहंकार के, तो अहंकार की गर्मी ठंडी हो जाती है। तो जितना चित्त शांत उतना अहंकार कम, जितना चित्त अशांत अहंकार उतना प्रबल। सीधी सी गंगा है। और दशहरे के दिन हुआ ये, क्यों, क्योंकि इंद्रियां दस ही है। ये दशहरा है ये। आप कहेंगे जी ये सब आप कहां से कह रहे हो, मैं इस आधार पर कह रहा हूं, ये गंगा भी दशहरे को निकली है। ये ब्रह्मांड की गंगा है और जो मेरे अंदर गंगा है वो पिंड की गंगा है। और कह ये रखा है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसा समष्टि में है वैसा ही वृष्टि में दे। अगर वहां गंगा है तो मेरे पास भी है, वो विष्णु के चरणों से निकली है तो मेरे भी विष्णु से चित्त से ही निकली है, चित्त में ही चेतना है, वहीं से ज्ञान की गंगा निकली है। चित्त शांत था तो गंगा ठीक जगह जाकर गिरी, शिव के अहंकार के से, तो अहंकार शांत हुआ। अहंकार शांत हुआ तो बुद्धि ने काम करना चालू किया, बुद्धि सारथी था, बुद्धि ने हाथ में लगाम था दी, तो 10 के 10 घोड़े जो थे वो मन रूपी लगाम के द्वारा 10 के 10 घोड़े काबू में आए। तो हम जाना चाहते हैं वहां जाएंगे इस रथ में बैठकर, और अगर ये कहीं भी लिंक टूट गया तो फिर हम जहाँ चाहते हैं वहां नहीं जा पाएंगे, जहां घोड़े ले जाएंगे वहां जाना पड़ेगा। घोड़ों की मर्जी कहाँ डाल दे अपने, हमारे हाथ में थोड़े फिर वो। ये गंगा दर्रा है, ये 10। अरे रावण के भी तो 10 सिर थे, वो 10 इंद्रियां 10 तरफ खींचती थी उसे, एक तरफ नहीं रह पाता था। पर रावण के नाभि अमृत कहाँ था, नाभि मेरे और आपके भी नाभि में अमृत है। इस बात को समझ ले, नाभि में अमृत क्यों है, शरीर में जहां कहीं भी छिद्र है वहां क्रिया है, नाभि एक ऐसा छिद्र है जिसमें कोई क्रिया नहीं है। तो मैं तो 3 दिन से चिल्ला ही रहा हूं कि कर्म से मोक्ष नहीं होगा, और कर्म कहां नहीं हो रहा है, आंख में हो रहा है देखने का, कान से सुनना, नाक से सुनना, जबान से चखना, जहां जहां भी शरीर में छिद्र है वहां वहां क्रिया है। नाभि भी एक छिद्र है, पर यहां कौन सी क्रिया हो रही है बतलाओ, यहां अमृत है क्योंकि यहां क्रिया नहीं है। ये बड़ा भारी विज्ञान है भैया, मैं 20 साल से वेद विज्ञान पढ़ते पढ़ते इसी को खोज रहा हूँ, ये मामले क्या है। मेरा अहंकार जागृत हो रहा है तो अपना नाम भी ले दिया मैंने बीच में अपना। इसमें चक्कर क्या है कि ये सत्व रजस तमस, कल अपन चर्चा करेंगे, इससे जो ये 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्राण और हैं अभी, वो इसमें नहीं आए।
पांच ज्ञान इंद्रिया, पांच कर्म इंद्रिया, पांच प्राण जब मन से मिलते हैं तो मनोमय कोश बनता। मरने के बाद जाता क्या है आदमी का? ये पांच इंद्रिय, दस इंद्रिया, मन और बुद्धि, ये और पांच प्राण, ये 17 चीजें जाती हैं। आप कहोगे जी आंख तो यही, अरे आंख का नाम इंद्रिय नहीं है, आंख तो इंद्रिय के बैठने की जगह है। जैसे कुर्सी दयानंद भार्गव का नाम नहीं है, कुर्सी तो बैठने की जगह है दयानंद भार्गव। तो आंख एक जगह है, यहाँ पर देखने की शक्ति बैठी है। ये पांचों ज्ञानेन्द्रियां और पांचों कर्मेंद्रियों की जो शक्ति है और पांच जो प्राण है और उनके साथ में मन बुद्धि, ये 17 लिंग शरीर कहलाता है। लीनम गमयति, ये दिखाई नहीं देता, न मन बुद्धि दिखाई दे, न पांच ज्ञान इंद्रिया दिखाई दे, ना पांच, ये 17 की 17 जाती हैं, आत्मा कहीं नहीं जाती। समझ ले बात को, ये लिंग शरीर जैसा कर्म यथा योनि है ना, योनि मन्य प्रपंदन्ते यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसे मेरे कर्म है इस समय में और जैसा मेरा ज्ञान है, ज्ञान माने ब्रह्म ज्ञान नहीं, संसार का ज्ञान, उसके अनुसार मुझे दूसरे स्थूल शरीर में जाके बैठा देते माँ की योनि में, और वहाँ ये स्थूल शरीर फिर से बन जाता, फिर से बन जाता। ये जो लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर, इसके साथ में एक कारण शरीर और जाता है, कल बात करेंगे उसकी, कारण शरीर और जाता है। कारण शरीर माने जिसको संस्कार जिसमें रहते हैं, तो अभी चर्चा होता है 16 संस्कार, वो संस्कार किसके होते हैं? जनेऊ पहना दिया, यज्ञ पवित्र संस्कार हो गया, तो जनेऊ के धागे में है क्या संस्कार? नहीं, वो संस्कार कारण शरीर में चला गया, वहां पर एक एक इंप्रेशन बन गया, मुझे विद्या का अध्ययन करना है। ये उस विद्यार्थी को हमने उसको एक तेरे तेरे जीवन का लक्ष्य ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते समय तक, यानी 25 वर्ष की अवस्था तक, विद्या का अध्ययन करने के अलावा कोई जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए, उसके कारण शरीर में डाल दिया हमने। आज आप थे जब ये मंत्र दिया गया था, तो गुरु और ये तीनों विद्यार्थी हैं, इनके ऊपर एक चद्दर डाल दी गई थी। चद्दर डालने की क्या जरूरत थी? अंदर क्या हो रहा है अपने को सबको पता ही था, गुरु मंत्र दिया जा रहा था। चद्दर क्यों डाली? क्योंकि कारण शरीर नजर नहीं आता, दिखाई नहीं देता है, छिपा हुआ है, तो उसका प्रतीक है कि भाई ये छिपकर करने वाला काम है, प्रकट नहीं है। अपने मन में एक टारगेट निश्चित हो गया, मैं विद्या का अर्जन करूंगा। जिसने अपना लक्ष्य दृढ़ संकल्प के साथ कर लिया, उसका लक्ष्य अवश्य पूरा होता ही होता है। जाको जापर क्योंकि सारे लोग बैठे हुए, मेरे को जरूरत ही नहीं बोलने की। इनसे मैंने कहा, मैंने कहा आ जाना भैया, आ जा, आपके बिना मेरा मन नहीं लगता, मन तो मेरा लग जाता है इनके बिना भी, पर मेरा काम नहीं चलता। मान लो मैं जो धरन भूल जावे तो ये याद दिलवा देते, जाको जा पर सत्य स्नेहु सोते ही मिले न कछु संदेह। अब आपका मन, आपका स्नेह मोक्ष पर है, तो मोक्ष है ही है, मोक्ष ही है। और अगर स्नेह कहीं और है, तो भगवान मालिक है, जिस पर स्नेह है वो मिल जाए, ठीक है ना। आज अपन इनके अनुशासन की दृष्टि से यहीं संपन्न कर दें, इनको ये न लगे कि हम इनके कार्यक्रम में एक दूसरा कार्यक्रम चला रहे हैं, बाधा बन रही है। देखो जी, 10 आदमी हमारे लेके ये बैठ गए, और हमारे इतना लंबा चौड़ा कार्यक्रम है, ये वहीं बैठा दिया इन्होंने, ऐसा अपन न करें, इसमें हिंसा हो जाएगी। अरे मैंने आपसे 50 बार कहा, 118 नंबर कमरे में एक भी नहीं आया, मुझसे पूछ लिया। इन्हीं के लिए संबंध में, इसी संबंधी बात है। अच्छा, सब सब संबंधी 118 में क्यों नहीं है? नहीं सर, इसलिए कर रहा हूं कि आपने सत्वगुण और रजोगुण की बात कर दी। हां, तमोगुण ये है ना जो सामने दिख रहा है। हां, तो एक तो वो 5 बार किसी ने नहीं पढ़ा पहला पेपर, 2 ने पढ़ा, और ये वाला पेपर भी 5 बार पढ़ा, ये तो 10 बार पढ़ना, 10 इंद्रियां है ना, लव, ये 10 बार पढ़ना है भैया, इसको जमा लो, ये सारा वेदांत जम गया। अरे टीचर का काम ये है कि जब परीक्षा निकट आ जावे और विद्यार्थी ने साल भर परिश्रम ना किया हो, तो 3 दिन के अंदर नोट बना के ऐसे दे दो, भाई तू पास तो हो जाना कम से कम, फेल तो मत होना, है ना। तो कुंजी बना रखी है मैंने, इसमें देखा कुछ कुंजी तो मैंने ले ली, और जो अधूरापन था हाथ से लिख के पूरा कर दिया उसे।